अगर आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ न्यू स्मार्टफोन पोको M3। आज हम इसके मेन हाइलाइट्स के बारे में जानें, क्या न्यू फीचर्स है, क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या इसकी प्राइस हो सकती है, कितने वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है और कितने कलर ऑप्शन के अंदर लॉन्च हो रहा है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आप पोको M3 लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले बात करें पोको के बारे में, इसके अंदर आपको 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LED डिस्प्ले दिया गया है इसके अंदर, प्लस साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दिया गया फ्रंट और बैक पैनल के अंदर। इसके अंदर आपको A2C USB केबल दी गई है साथ में, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बात करें इसके अंदर पावर अनलॉक बटन दे रखा है, ऊपर की साइड वॉल्यूम ड्रॉकर, ऊपर की तरफ बात करें इसके ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन, हेडफोन जैक, फिर स्पीकर ग्रिल और IR का प्लस का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं हम नीचे की तरफ बात करें, इसके अंदर आपको प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल एंड USB-C पोर्ट दिया गया है। स्पीकर की बात करें, इसके अंदर आपको डबल स्पीकर का सपोर्ट दिया गया जो कि साउंड की जो क्वालिटी है उसको हाई लेवल पर लेके चली जाती है। इसे वीडियो कंटेंट के जरिए आप गेमिंग वगैरह खेल, इसके लिए आपको शानदार एक्सपीरियंस आपको ये मिल सकता है। और साथ में कैमरा सेटअप की बात करें, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया, जो फर्स्ट कैमरा आप देख रहे हैं 40 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दे रखा है, साथ में आपको दो 150-150 रुपये वाले कैमरे दिए गए, 150 वाले 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरे और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरे। इसी जगह पोको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड या वाइड एंगल लगा सकता था, बट उन्होंने 2 मेगापिक्सल माइक्रो डेप्थ किस हिसाब से लगाया वो मुझे भी अभी तक आइडिया नहीं लग रहा है। यहाँ पे कैमरे की बात करें, एक ही कैमरा जो 48 मेगापिक्सल, बाकी दो कैमरे कुछ ना के बराबर ही है अभी सब। साथ में आप देख रहे हैं LED फ्लैश लाइट दे रखी है और नीचे है पोको की ब्रांडिंग। कलर ऑप्शन की बात करें, एक येलो ब्लैक कलर में दो कलर ऑप्शन के अवेलेबल है ये मार्केट के अंदर। साथ में इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 प्लस MIUI 12 पे ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है इसके अंदर। साथ में इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें, Snapdragon 662 प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया, पुराना प्रोसेसर है बट इस प्राइस अकॉर्डिंग प्रोसेसर इसके अंदर बेस्ट है। और वीडियो कंज्यूम की बात करें, 4K वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट और बैक कैमरे के अंदर। वहीं हम फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें जो कि 8 मेगापिक्सल का है, इसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज जैसे लॉन्च किया गया है, वहीं 4GB रैम और 64GB स्टोरेज लॉन्च किया है। इसके अंदर प्राइस की बात करें गाइस, 9,499 और 4GB 16GB वेरियंट की बात करें जो कि 11,499 दोनों की प्राइस रखी गई है। आपका अगर कमेंट कर जरूर बताइए। इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी और 22.5 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। आपको अगर ना पोको M3 के बारे में कमेंट कर जरूर बताइए। ये एक तरह का Redmi 9 पावर का रीब्रांडेड वर्जन भी कह सकते हैं इंडिया के अंदर, और या फिर चाइना के अंदर Redmi Note 9 5G का भी रीवर्जन कह सकते हैं। आपका क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइए, और पोको के बारे में ऐसी कुछ बात है कमेंट कर जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा कभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर मत जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।